प्यारे बच्चे नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज अपने इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो बेसिक और पेरेंट फार्मूला है न्यूटन कोट फार्मूला, उसके डेरिवेशन की बात करेंगे। हम लोग न्यूटन कोट फार्मूला को डिराइव करेंगे, यानी कि जो जनरल न्यूटन कोट फार्मूला होता है उसे ड्राइव करेंगे, और फिर उसकी मदद से जो दूसरे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यूज्ड होने वाले फार्मूले हैं, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, वेडल्स रूल, ये सब रूल्स को उस फार्मूले से कैसे डिराइव कर किया जाता है, ये प्रोसेस आपको समझाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों न्यूटन कोट फार्मूले का डेरिवेशन और न्यूटन कोट फार्मूले का जनरल फॉर्म डिराइव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो अब लोग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, वो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास में स्टूडेंट्स इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं या सेट ऑफ वैल्यूज हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है ना, ये हमारे पास में कोई फंक्शन है एंड हमारे पास में कुछ वैल्यूज हैं बच्चों, क्या y0 जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो, y1 वन इज इक्वल टू एफ एक्स वन, y2 टू इज इक्वल टू एफ एक्स टू एंड सो ऑन, वाई एन इज इक्वल टू एफ एक्स एन, वेयर एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच, राइट, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास में कुछ डिटेल्स हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा। बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू y0 प्लस r डेल y0 प्लस r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस r माइनस 1 r माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। ये होता है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वेयर r इज इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, ठीक, ये r की वैल्यू होती है। और यू कैन से दैट कि यहां पर x इज इक्वल्स टू होता है x0 प्लस rh, ठीक, ये होती है वैल्यू किसकी, x की, इस फॉर्मूले में x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस आर एच इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बच्चों न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नाउ इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स एन वाई डी एक्स, हमें इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, न्यूटन कोट फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो दिस इज इक्वल्स टू x0 प्लस nh, और y की जगह बच्चों हम लोग लिख देंगे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो यहां पर हमें मिल जाएगा बच्चों क्या, हमें मिलेगा, बल्कि ये लिखने की जगह पहले हम लोग क्या करें, यहां पर y की जगह लिख देते हैं एफ एक्स, ठीक, dx। अब इसमें एक सब्सटीट्यूशन करिए बच्चों, क्या सब्सटीट्यूशन करिए, इसमें आप सब्सटीट्यूशन करिए, पुट x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस आर एच, तो यहां से dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h dr, ठीक है ना, h dr। और लिमिट्स में क्या चेंजेस आएगा, देखिए जब x की वैल्यू x0, तो जैसे यहां पर आप x0 लिखेंगे, x0 से x0 कट जाएगा और लिमिट आएगी r इज इक्वल टू जीरो टू, जैसे ही आप यहां पर x की जगह पर x0 प्लस nh लिखेंगे तो x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और r इज इक्वल्स टू आ जाएगा n, यानी कि इस सब्सटीट्यूशन के बाद में जो लिमिट्स आएंगी हमारे पास वो r इज इक्वल्स टू 0 से क्या हो जाएंगी, n हो जाएंगी और dx इज इक्वल्स टू h dr में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू बिकम, यानी दिस बिकम x0 की जगह आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा n और fx की जगह आ जाएगा f एक्स जीरो प्लस आर एच और ये एच, एच को आगे लिख देते हैं एच डी आर,
है ना, ये dx की जगह hdr, तो h को आगे लिख दिया और dr ये यहां पर, ठीक है। अब क्योंकि ये जो fx0 plus rh है, ये वास्तव में ये यही है, x की वैल्यू हमने यहां पर लिख भी थी x0 plus rh, तो वास्तव में ये जो पूरी की पूरी वैल्यू दिख रही है आपको, ये fx0 plus rh की वैल्यू ही है। तो हम अब यहां पर इस इंटीग्रेशन में fx0 plus rh की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू h इंटीग्रेशन 0 टू n ब्रैकेट y0 plus r डेल y0 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन टू, फैक्टोरियल टू की जगह टू, इट्स डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो इट्स आर रेस टू दी पावर थ्री माइनस ये टू आर, ये थ्री आर, तो इट्स माइनस थ्री आर स्क्वायर एंड प्लस टू आर अपॉन फैक्टोरियल थ्री का मतलब है सिक्स, और ये डेल क्यूब वाई जीरो एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज और यहां पर डी आर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर और लिमिट जीरो टू एन, अपर लिमिट क्योंकि एन है, लोअर लिमिट जीरो है, इसलिए लोअर लिमिट पे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं इंटीग्रेशन के बाद, जो मिलना है अपर लिमिट पे मिलना है। तो आइए सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो एच इज इक्वल टू सॉरी एच ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा डेल सॉरी आर वाई जीरो, बिकॉज कुछ नहीं है यानी वन का इंटीग्रल हो जाएगा आर, यहां पर आएगा बच्चों आपके पास में आर स्क्वायर अपॉन टू डेल वाई जीरो प्लस, यहां पर आएगा आपके पास में वन अपॉन टू, ये हो जाएगा आर एस क्यूब सॉरी इट्स आर क्यूब बाय थ्री एंड माइनस आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस आर, माइनस आएगा माइनस कर लीजिएगा, फिर डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस, ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्स ब्रैकेट आर एस टू द पावर फोर अपॉन फोर माइनस थ्री आर क्यूब अपॉन थ्री एंड प्लस टू आर स्क्वायर अपॉन टू, राइट, एंड यहां पर आएगा डेल क्यूब वाई जीरो एंड प्लस सो ऑन, ठीक, ये आपके पास आया और लिमिट आ जाएगी जीरो टू एन, जीरो टू एन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एच, ओके एच, एंड नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, तो अपर लिमिट पे ये हो जाएगा एन वाई जीरो प्लस, यहां आर की जगह पर एन, तो इट्स एन स्क्वायर अपॉन टू डेल वाई जीरो प्लस, यहां से एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम आएगा सिक्स, तो इसको आप वन अपॉन ट्वेल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा थ्री है, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में कितना सॉरी एलसीएम आएगा सिक्स, तो ये ट्वेल्व हो गया, सिक्स टू जै ट्वेल्व, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में टू आर क्यूब माइनस थ्री आर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, येट, ठीक है, एंड दिस बिकम यस दिस बिकम डेल स्क्वायर वाई जीरो, ये डेल स्क्वायर वाई जीरो आ गया प्लस, यहां पर एलसीएम आएगा बच्चों 12, तो ये हो जाएगा 172 और दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक इट्स अ थ्री, ठीक है ना, बल्कि ये कैंसिल हो जाते बच्चे, तो हमारे पास में जो एलसीएम है वो बस वो फोर ही आता, तो ये हो जाता 24 ये हो जाता आर एस टू द पावर फोर माइनस फोर आर क्यूब एंड प्लस फोर आर स्क्वायर और ये डेल क्यूब वाई जीरो एंड प्लस सो ऑन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो इंटीग्रल आया है हमारे पास में इंटीग्रल x0 टू x0 प्लस nh और ये है fx dx, ठीक है, तो दैट फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, इसी को ही कहते हैं बच्चों जनरल फॉर्मूला, जनरल न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, जनरल न्यूटन कोट्स
फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम रेस्ट ऑफ दी जो फॉर्मूलेज होते हैं वो उनको ड्राइव करते हैं, और इस फॉर्मूले में जो n की वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करके रेस्ट ऑफ दी फॉर्मूलेज ड्राइव होते हैं, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल हो गया, न्यूटन सिम्पसन्स 1/3 हो गया, सिम्पसन्स 3/8 हो गया, एंड वेडल्स हो गया, एंड सो ऑन। फॉर्मूले जो है वो इसी फॉर्मूले से ड्राइव होते हैं। तो फाइनली बच्चों ये जो फॉर्मूला है यही न्यूटन कोट्स जनरल इंटीग्रेशन फॉर्मूला कहलाता है, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में पेरेंट फॉर्मूले का काम करता है। और हमने इसे ड्राइव करने के लिए किया क्या बच्चों, हम सबसे पहले हमने इन बेसिक से शुरुआत करी कि y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है जिनके बीच में हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई है जिस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो y0, y1, y2, yn हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं कि xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh होता है, राइट। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद दीज पॉइंट्स, न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना है। तो हमें इसके लिए एक पेरेंट फॉर्मूला न्यूटन कोट फॉर्मूले का डेरिवेशन करना था। हमने उसके लिए मदद ली किसकी, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की। y बराबर fx y0 प्लस r del y0 प्लस r -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del स्क्वायर y0 प्लस r इनटू r -1 r -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 del क्यूब y0 एंड सो ऑन, जिसको हम लोग fx0 प्लस rh भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि यहां पर r इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h या x बराबर x0 प्लस rh होता है। तो हमने x की जगह x0 प्लस rh लिख लिया। अब न्यूटन कोट फॉर्मूला यानी कि इन पॉइंट्स की मदद से y को इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन x0 टू xn y dx। y की जगह हम लिख सकते हैं fx। नाउ fx में x की जगह पर हमने एक सब्स्टिट्यूशन करा x0 प्लस rh, यहां से हमें dx इज इक्वल्स टू hdr मिलेगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये मिल जाएंगे इस तरह से, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट n मिल जाएगी इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से। तो हमने यहाँ पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन कर लिया, अपर और लोअर लिमिट भी चेंज कर दी हमने। इसके बाद यहाँ पर fx0 प्लस rh की जगह पर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, जो कि हमारे पास इस रूप में आया, सिंप्लीफाई करके लिखा, इंटीग्रेट किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, तो जो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला आ रहा है यही न्यूटन कोट्स जनरल फॉर्मूला कहलाता है। तो इस तरह से न्यूटन कोट्स जनरल फॉर्मूले का डेरिवेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। अब बस हमें यह देखना है कि इस फॉर्मूले की मदद से हम बाकी के जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव कैसे करते हैं। कुछ मैं यहां पर आपको ड्राइव करके बताता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, दिस फॉर्मूला, यही इसी फॉर्मूले के हम लोग कहते हैं जनरल न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, ठीक। तो ये तो हो गया बच्चों जनरल न्यूटन कोट्स फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग ट्रेपेजॉइडल को कैसे ड्राइव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इस फॉर्मूले में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें, n इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में केवल दो ही पॉइंट्स हैं जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए हमें जरूरत है, ठीक है ना, या अवेलेबल है। कौन कौन से, एक होगा x0, एक होगा x1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग y0 होगा और y1 होगा। और जब हम लोग डेल y निकालेंगे तो केवल हम लोग क्या निकाल पाएंगे, डेल y0 निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा जो टेबल है, डिफरेंस टेबल जो है। तो इट मींस दैट कि इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है यहां तक की फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू यही यूज होंगी n इज इक्वल टू 1 के लिए, बाकी की वैल्यू यूज ही नहीं हो पाएंगी। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे हैं और आगे की वैल्यू भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इट मींस दैट कि n इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम लोग x0 और x1 इन दो पॉइंट्स पर y को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा h, n की जगह 1 लिखिए, तो 1 इंटू y0 प्लस 1 अपॉन 2, बिकॉज n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, यहां 1 लिखेंगे तो इट्स 1/2, और डेल y0, तो ये डेल y0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि दिस इज इक्वल्स टू h, ये y0 प्लस 1/2, डेल y0 की वैल्यू होती है y1 माइनस y0। अब इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों और 1/2 LCM लेके बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा h/2 ब्रैकेट, यहां पर आपके पास आ जाएगा बच्चों कितना, y0 प्लस y1, कितना आएगा बच्चों, y0 प्लस y1। और जब इसी तरह से इस n इज इक्वल्स टू 1 के लिए
आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे एक्स वन एक्स टू पॉइंट्स पर, यानी कि ये दो पॉइंट्स लेकर, भाई ये एक सिंगल दो पॉइंट्स लिए आपने, फिर x1 से x2 में y को इंटीग्रेट करेंगे, तो यही फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा h by 2 y1 plus y2, ठीक। जब आप इसे x2 से x3 पर इंटीग्रेट करेंगे y को, तो आपको मिल जाएगा h by 2 ब्रैकेट y2 plus y3, और फाइनली जब ऐसे करते करते आप इसे xn minus 1 और xn पर इंटीग्रेट करेंगे y को, तो आपको मिलेगा h by 2 ब्रैकेट yn minus 1 plus yn, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। आपने क्या कर दिया है, x0 से xn को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, और इस n is equals to 1 का जो केस आपके पास बन रहा था उसके अकॉर्डिंग आपने हर सब इंटरवल यानी x0 से x1, फिर x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, इन सब पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। कौन से फॉर्मूले को, जो n is equals to 1 के लिए आपके पास आ रहा था, ठीक। तो आपके पास x0 से x1 में मिला h by 2 y0 plus y1, फिर x1 x2 में मिला h by 2 y1 plus y2, फिर x2 x3 में मिला y, h by 2 y2 y3, एंड इधर पे लास्ट में मिला yn minus 1 plus yn h by 2। नाउ लुक एट दैट बच्चों, तो दिस इंप्लाइज दैट x0 से xn यानी कि xn मतलब कि x0 plus nh, पूरे पॉइंट्स आपने कंबाइन कर दिए y dx, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, फिर ये इस तरह से आप चाहो तो तोड़ भी सकते हो उसे, x0 से x1 y dx प्लस x1 से x2 y dx प्लस x2 से x3 y dx प्लस सो ऑन इंटीग्रेशन xn माइनस 1 से xn y dx, राइट बच्चों। एंड नाउ अब इसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए, सम में से आपको कॉमन मिल जाएगा कितना h by 2, और यहां पर मिलेगा आपको y0, y1, फिर अगले वाले में y1 plus y2, फिर अगले वाले में y2 plus y3, फिर लास्ट ऐसे चलते चलते लास्ट में मिलेगा yn minus 1 plus yn। तो इस फॉर्मूले की बनावट को अगर आप ध्यान से देखें तो पहली वैल्यू y0 और लास्ट वैल्यू yn वो एक बार ही आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज दो दो बार आएंगे। इट मीन्स दैट कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए x0 से x0 plus nh y dx is equals to h by 2 y0 plus 2 y1 y2 y3 and up to yn minus 1 plus yn। ये जो n is equals to 1 से ये जनरल फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है बच्चों, इसी को ही कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल स्टूडेंट्स, ठीक है राइट। और जब इस फॉर्मूले में आप n की जगह पर क्या सब्सिट्यूट करोगे, 2 सब्सिट्यूट करोगे इसी फॉर्मूले में, कौन से, इस जनरल फॉर्मूले में। तो जनरल फॉर्मूले में जब n इज इक्वल्स टू 2 सब्सिट्यूट करोगे, यानी n इज इक्वल्स टू 2 का केस लोगे, सब्सिट्यूट नहीं करोगे, केस लोगे n इज इक्वल्स टू 2 का, तो y0 y1 y2, तो यहां से डेल y0 डेल y1 और फिर डेल स्क्वायर y0, यानी कि जो डिफरेंस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो डेल स्क्वायर y0 निकलेगी, यानी कि ये जो टेबल है आपका, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो यहां तक यूज होगा बस, केवल रेस्ट ऑफ द वैल्यूज यूज नहीं होंगी। तो इट मींस दैट कि आपको जब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा। तो x0 से x2 तक केस बनेगा क्योंकि n की वैल्यू 2 है, तो x0 से x2 तक जाएंगे, हमारे पास y dx इज इक्वल्स टू h एज इट इज ब्रैकेट n की जगह पर 2 लिया है तो ये 2y0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 डेल y0 प्लस 1 अपॉन 12 ये 2, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 यानी कि 16 माइनस 2 की पावर 2 यानी 4, 3 जा 12 ये 12
और डेल स्क्वायर वाई जीरो, तो डेल स्क्वायर वाई जीरो को हम लिख सकते हैं डेल डेल वाई जीरो, ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज। अब जरा देखिए कि इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है, लेट सी दैट। तो आपके पास में बनेगा बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू एच ब्रैकेट 2y0 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस ये बन जाएगा 2, तो ये 2 डेल y की जगह हो जाएगा बच्चों y1 माइनस y0 प्लस 16 माइनस 12 4, और ये मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 1/3, और डेल स्क्वायर y0 यानी कि डेल y1 माइनस y0, राइट। और अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें यहीं पर इसी को, तो ये बन जाएगा फिर डेल y1 माइनस डेल y0, और डेल y1 मतलब y2 माइनस y1, और ये बन जाएगा y1 प्लस y0, ये y1 माइनस y0 होता है, इस माइनस के कारण ये प्लस, तो ये y2 माइनस 2y1 प्लस y0, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में फिर यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, h ब्रैकेट ये 2y0 और ये 2y0 कैंसिल, तो ये 2y1 प्लस 1/3 ब्रैकेट इट्स y2 माइनस 2y1 एंड प्लस y0, ये ब्रैकेट क्लोज। अब एक काम करते हैं बच्चों, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसे जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो आप लोगों के पास में आएगा h बाय 3, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो इट्स 6y1 माइनस y2 माइनस y2 प्लस 2y1, इट्स प्लस है ना, तो ये प्लस और ये माइनस और प्लस y0, ठीक। तो फाइनली बच्चों हमारे पास में जो वैल्यू आएगी कौन सी, x0 से x2 y dx इज इक्वल्स टू h/3 ब्रैकेट, उसमें सबसे पहले आप लिख दीजिए y0, ये y0, फिर अगला 4y1 और लास्ट में आएगा y2, ठीक। बनावट देखिए बच्चों इसकी, y0 y1 y2 तीन पॉइंट्स हैं आपके पास, और उन तीन पॉइंट्स की बनावट कुछ इस तरह से आई है, h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2, और इसी प्रोसेस को अगर हम x2 से x4 ydx पर अप्लाई करें तो इसमें तीन पॉइंट्स कवर होंगे, y2 y3 और y4। तो y2 y3 y4 को अगर इस प्रोसेस से सिंप्लीफाई किया जाए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में फिट करके, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4, दिस इज द रिजल्ट बच्चों। किस पर मिला ये, जब हम x2 से x4 के बीच में y को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4 मिलेगा। एंड सिमिलरली ये ऊपर का मिटा देता हूं, आपने आई होप के नोट कर लिया होगा। सिमिलरली बच्चों जब आप 4 से x6 के बीच में y को न्यूमेरिकल इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा h/3 ओके y4 प्लस 4y5 प्लस y6, ठीक, एंड सो ऑन। एंड जब इसी प्रोसेस को आप yxn-2 xn के बीच में अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा h/3 yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn, ठीक बच्चों। एंड इन सारे रिजल्ट्स को आप कंबाइन कर दीजिए मतलब कि देयरफॉर इंटीग्रेशन x0 टू xn ydx, ठीक है ना, आपने दो दो के स्लैब में इन सबको इंटीग्रेट किया है न्यूमेरिकली, अब एक साथ कंबाइन कर दीजिए जैसे पिछले वाले को किया था, तो ये सारे रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा बच्चों कैसे मिलेगा आपको रिजल्ट, ठीक है ना। लुक एट दैट, y0 आया 4y1 y2, फिर अगला वाला y2 से शुरू हुआ, ये y4 पे खत्म हुआ तो अगला वाला y4 पे शुरू हुआ, ठीक। इट मींस दैट कि y1 y3 y5 इन सब का जो कोफिशियंट है या मल्टीपल है वो है 4, और y2 प्लस y2 2y2, y4 प्लस y4 2y4, जितने भी y2 y4 y6 यानी इवन टर्म्स हैं उनका मल्टीपल है 2,
और y0 और yn केवल एक एक बार आएंगे दोनों. इट मीन्स दैट आपको मिलेगा y0 प्लस 4 y1 y3 y5 एंड yn माइनस 1 प्लस 2 y2 y4 y6 डॉट 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 yn माइनस 2 एंड प्लस yn. ठीक. तो ये जो फॉर्मूला आपके पास में आया है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल. क्या कहते हैं बच्चों? सिम्पसन्स वन थर्ड रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. राइट बच्चों? एंड जब आप इसी जनरल न्यूटन कोट्स फॉर्मूले में जो आपने ड्राइव किया था अभी थोड़ी देर पहले, उस रूल में एन इज इक्वल्स टू थ्री का केस लोगे तो आपको मिल जाएगा सिम्पसन्स 3/8 रूल. कौन सा मिल जाएगा बच्चों? सिम्पसन्स 3/8 रूल. और जब उसी में ही आप n इज इक्वल्स टू 6 का केस लोगे तो आपको मिल जाएगा वेडल्स रूल. कौन सा रूल मिल जाएगा बच्चों? वेडल्स रूल. और इन फॉर्मूलों को यूज करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी डेफिनेट इंटीग्रल को न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर रहे हो तो ट्रेपेजोइडल रूल आप तब लगाइएगा जब आपने n की कोई भी वैल्यू ले ली हो. ठीक है ना? n ट्रेपेजोइडल के केस में n की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, एनी वैल्यू यू कैन टेक ट्रेपेजोइडल के केस में. लेकिन जो सिम्पसन्स वन थर्ड होता है उसमें एन की जो वैल्यू है वो 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए. किसके मल्टीपल में? 2 के मल्टीपल में. 3/8 के केस में एन की जो वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होनी चाहिए. यानी कि सिम्पसन्स 3/8 तभी लगता है जब एन की वैल्यू 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, लाइक दैट. और वेडल्स रूल तब लगाया जाता है जब मल्टीपल जो है वो 6 का हो, यानी कि 6 हो, 12 हो, 18 हो, 24 हो, एंड सो ऑन. और 1/3, 2, 4, 6, 8 ऐसे स्लैब में लगाया जाता है. तो डेल क्यूब वाई जीरो तक के टर्म्स इंक्लूड होंगे जब n इज इक्वल्स टू 3 का केस आप लेंगे. और सेम जिस तरह से आपने ये फॉर्मूले ड्राइव किए दो, उसी तरह से 3/8 रूल के लिए भी आप डिराइव कर सकते हो. यानी कि सिम्पसन्स 1/3 रूल को न्यूटन कोट फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो. n इज इक्वल्स टू 6 लेके वेडल्स रूल्स को ड्राइव कर सकते हो. तो आई होप स्टूडेंट्स के जो न्यूटन कोट फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो आपको समझ में आया होगा. हमने उसे ड्राइव किया न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से. फिर भी कभी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं. मैं ईमेल का रिप्लाई 2-3 दिनों में नॉर्मली कर देता हूँ. ठीक है ना? और लेकिन फिर भी अगर आपके पास ईमेल का रिप्लाई नहीं आया है तो ऐसा तभी होता है जब आपने कोई क्वेश्चन लिख के भेज दिया हो और मुझसे सोल्यूशन मांगा हो. मैं ऐसे ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करता हूँ बच्चों. ठीक है ना? या आपने कोई अपना असाइनमेंट भेज दिया हो या आप मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे हो तो मैं ऐसे ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करता हूँ. आप अगर मुझसे क्वेरी पूछना चाहते हैं तो जो वीडियो आपने देखा उसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप उस क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन है उसको लिखिए, कॉपी पर अंडरलाइन करिए उस चीज़ को जो आपको समझ में नहीं आई, एंड देन उस इमेज को मुझे ईमेल कर दीजिए. मैं आपको बता दूंगा कि वो स्टेप कैसे बनाएं. उसी मेथड का जो आपको समझाई गई है उसका आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं अनसॉल्व का अपनी बुक से, आपने सॉल्व किया, आपको कोई टर्म समझ में नहीं आया, आप फंस गए, तो आप वो पूरा का पूरा सोल्यूशन का इमेज मुझे ईमेल कर दीजिए. ठीक है? बाकी हमारा स्कूल मैथमेटिक्स का चैनल एज यूजुअल अवेलेबल है आपके लिए अपने 11th 12th के बेसिक सुधारने के लिए. So thank you very much for watching this video. For more updates, subscribe to our channel.